Assalamu alaikum dear students, welcome to learning management system. I am Professor Manzoor Shah from Superior Group of Colleges. Dear students, today we are going to start chapter 5 part 3, the piece of string Rassi Kalukra from book 1. Aaj is chapter mein hum sabse pehle translation karenge. ट्रांसलेट इनटू उर्दू, जैसा कि आपको मालूम है कि वो 15 मार्क्स का एक हमारा इंतहाई अहम क्वेश्चन है. उसके बाद इस चैप्टर की जो रिमेनिंग वर्ड्स, मीनिंग्स और सिनोनिम्स हैं हम वो कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद लास्ट में एज यूजुअल हसबे मामूल हम आपको पंक्चुएशन और शॉर्ट क्वेश्चंस की असाइनमेंट देंगे. लेट्स स्टार्ट. ट्रांसलेट इनटू उर्दू, इंतहाई तवज्जो से सुनिए और समझिए. एक पैसेज हमने सेलेक्ट किया है इस चैप्टर से. It was engraved on his tombstone. तो ट्रांसलेशन की पहली टेक्निक ये है, पहले भी बताया गया है, सबसे पहले आपको जो वर्ड्स मीनिंग्स हैं वो आपको आने चाहिए. ज़रूरी है बेटा, अगर आपको वर्ड्स मीनिंग्स क्लियर नहीं होंगे तो आप ट्रांसलेशन कैसे कर सकेंगे. और दूसरी हदायत आपको ये दी जा रही है कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा नहीं करते. वन वर्ड हैज़ डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग्स, एक लफ्ज़ के कई मायने होते हैं. आपने अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ सेंटेंस देखना है. इट वॉज एनग्रेव्ड, एनग्रेव्ड कहते हैं रिटन ऑन स्टोन्स. ज़ाहिर इंग्लिश में तो आपने इसकी ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी, तो उर्दू में करनी, तो आपको उर्दू में उसका एग्जैक्ट वर्ड पता होना चाहिए, कंधा करना, तहरीर होना. टॉम स्टोन, कब्र का कतबा. इट वॉज एनग्रेव्ड ऑन हिज टॉम स्टोन, उसके कब्र के कतबे पर यह तहरीर था, कंधा किया हुआ था. ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, उसकी मौत के कई साल बाद. अब ये लफ्ज़ बदल लफ्ज़ तक होगा. अब आप इसको प्रॉपर सेंटेंस में लिखें, उसकी मौत के कई साल बाद उसकी कब्र के कतबे पर कंधा किया हुआ था. अब जो कंधा किया हुआ था वो इनवर्टेड कॉमर्स में, तो जब आपने ट्रांसलेशन करनी तो आपने भी इसी तरह इनवर्टेड कॉमर्स में ही वो सारा जुमला उर्दू में ट्रांसलेशन करनी है. हियर लाइज़ अ मैन हू टोल्ड नथिंग बट ट्रुथ. अब यहाँ लफ्जी मैंने ये ना कह देना बच्चों कि लाइक का मतलब लेटा हुआ है, नहीं, क्योंकि वो कब्र के अंदर है, तो वो कब्र में दफन है, बरीड है. तो हियर बरीज अ मैन Who told nothing but truth? यहाँ एक ऐसा शख्स दफन है जिसने सच के अलावा कुछ ना बोला. Here lies the man who would not prove his innocence. तो innocence का मतलब है मासूमियत. यहाँ एक ऐसा शख्स दफन है जो अपनी मासूमियत को साबित ना कर सका. But the flood proved it. लेकिन सैलाब ने साबित कर दिया. जी डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर ट्रांसलेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्ड्स मीनिंग एंड synonyms. जो हमारे थोड़े से वर्ड्स मीनिंग सिनोनिम्स रह गए थे, आज हम उसे मुकम्मल करेंगे. इंतहाई तो जैसे आपने सुनना है और मीनिंग्स नोट करने हैं. डिस्टर्ब्ड, परेशान, अपसेट, टेंस्ड, फॉलोड, पीछे आना, केम आफ्टर, चेज, स्टाउट, मजबूत, बिग, बल्कि, स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी, कंट्री मैन, देहाती आदमी, फार्मर, पीजेंट, कंट्री डिवेलर, एस्टाउंडेड, हैरानो परेशान होना, अमेज्ड, एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड, सस्पिशन, शक शुबा, डाउट, मिस्ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट, हार्नेस, साइन, हॉर्स कीपर, फ्लश, सुरख हो गया, तप गया, बर्निंग, ग्लोइंग, ब्लशिंग, स्ट्रिंग, रस्सी, कॉर्ड, स्ट्रैंड, चेन, वर्दी, बाइज़त, बावकार, decent, good, credible, credence, एतमाद, belief, trust, mistook, गलती से समझना, misunderstood, got wrong, peasant, किसान, farmer, countryman, furiously, गुस्से से, angrily, wrathful, agitated, attest, तस्दीक करना, affirm, bear out, Nevertheless, इसके बावजूद, ताहम, even so, however, still, yet, salvation, निजात, rescue, deliverance, choked, गला बैठ गया, suffocated, indignation, शदीद गुस्सा, anger, fury, take away, खत्म करना, ले जाना, remove, do away with, displace, repetition, शोहरत, Esteem, repute, fame, protesting, एहतजाज करना, frequently, again and again,
प्रोटेस्टिंग एतराज करना, ऑब्जेक्टिंग, अपोजिंग, डिसअपीयरिंग रिपीटेडली, बार बार, लगातार, फ्रीक्वेंटली, अगेन एंड अगेन, मेंटेन, बरकरार रखना, कंटिन्यूड, डिस्चार्ज, छोड़ देना, जाने देना, सेट फ्री, लिबरेटेड, रिलीज्ड, वार्निंग, खबरदार करना, तनबीह करना, थ्रेट, एडमोनिशन, कंसल्ट, मशवरा करना, आस्क, एडवाइस ऑफ प्रोसिक्यूटर, लायर, वकील, सराउंडेड, घेर लेना, एनक्लोज्ड, एनसर्कल्ड, क्यूरियोसिटी, तजस्सुस, इंक्विजिटिवनेस, इंटरेस्ट, स्टेटमेंट, बयान, अकाउंट, रिपोर्ट, अनाउंसमेंट, रास्कल, बदमाश, रोग, विकेट, एडवेंचर, मुहिम, रिस्क, एंटरप्राइज, इनक्रेडिबिलिटी, शक, डाउट, स्पेक्टिसिज्म, कंटेंट, मामला, मैटर, मवाद, ट्रिम्फ, कामयाब होना, सक्सेस, इलेशन, ग्रीव्ड, अफसोस होना, अफसरदा होना, हर्ट, लिमेंटेड, फेल्ट सॉरी, शेमफुल, शर्मिंदा, डिसग्रेसफुल, ह्यूमिलिएटिंग, विलिंग, राजी, प्रिपेयर, रेडी, एक्सक्यूजेस, उजर, बहाने, जस्टिफिकेशन, रीजंस, डिस्चार्ज, डिसग्रेस, बेइज्जती करना, जिल्लत, ह्यूमिलेशन, एम्बेरेसमेंट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिगार्ड, इज्जत नफ्स, कंज्यूम, ख़त्म हो गया, वेस्टेड, एग्जॉस्टेड, अम्यूज, लुत्फंदोज होना, डिलाइट, प्लीज, एंटरटेन, कंपेन, मुहिम, एक्सपीडिशन, डिलीरियम, मौत की कश्मकश, रेस्टलेसनेस, कन्फ्यूजन, फीवर, इंटेंसिटी, रिटीरिएटिंग, बार बार कहना, रिपीटेडली, से अगेन एंड अगेन, कैरिड अवे, बहा के ले जाना, टुक अवे, बिलोंगिंग, साजो सामान, गोड्स, लगेज, विदस्टूड, कायम रहना, कन्फ्रंटेड, कॉप विथ, हैवॉक, तबाही, बर्बादी, डिवोस्टेशन, डिस्ट्रक्शन, एनग्रेव्ड, कंधा किया हुआ, कार्ड, इम्प्रिंटेड, टॉम स्टोन, ग्रेव स्टोन, कबर का कतबा। जी डियर स्टूडेंट्स, आफ्टरवर्ड्स मीनिंग सिनोनिम्स के बाद एक असाइनमेंट है जो आपने घर बैठ के करनी है, पंक्चुएशन। क्वेश्चन नंबर वन है, पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइंस, जो कि 5 नंबर्स का हमारा क्वेश्चन आता है। आपने देखना है कि कौन सा वर्ड कैपिटल करना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ कॉमा इनवर्टेड कॉमास है और कहाँ पर एंड में फुल स्टॉप है। आई वॉज सीन विद अ पॉकेट बुक, हु सा मी, मिस्टर बनाना, हार्नेस मैन, सर यू पिक अप द पॉकेट बुक। ये एक असाइनमेंट है पंक्चुएशन के हवाले से। सेकेंड असाइनमेंट टू है शॉर्ट क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर वन, हाउ डिड मनाना अक्यूज ह्यूबर्ट ऑफ पिकिंग द लॉस्ट पॉकेट बुक। मनाना ने ह्यूबर्ट पर बटुआ उठाने का इल्जाम क्यों लगाया। क्वेश्चन नंबर टू, वट डिड द पीपल थिंक ऑफ ह्यूबर्ट वेन दे हर्ड द रिटर्न ऑफ पॉकेट बुक बाय सम अदर पर्सन। दूसरे लोगों ने क्या सोचा ह्यूबर्ट के बारे में जब उन्हें पता चला कि किसी दूसरे शख्स ने बटुआ वापस कर दिया था। क्वेश्चन नंबर थ्री, वाई डिड जॉर्ज गिव द पॉकेट बुक टू हिज एम्प्लॉयर। जॉर्ज ने अपने मालिक को वो बटुआ क्यों वापस कर दिया। क्वेश्चन नंबर फोर, वट मेड ह्यूबर्ट शेमफुल, किस चीज़ ने ह्यूबर्ट को शर्मिंदा कर दिया। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाई डिड द पीपल मेक फन ऑफ हिज इनोसेंस। लोगों ने उसकी मासूमियत का मजाक क्यों उड़ाया। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाई डिड ही कीप क्लेमिंग का मतलब होता है दावा करना ही इज इनोसेंस बिफोर हिज डेथ। उसने मरने से पहले ये क्यों बार बार कहना जारी रखा, दावा करना जारी रखा कि वो मासूम था। डियर स्टूडेंट, जैसा कि पहले भी आपको गाइड किया गया है, सबसे पहले आपने नेचर ऑफ क्वेश्चंस को समझना है कि वो सारे क्वेश्चन किस टेंस में है। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि सारे क्वेश्चन हमारे पास्ट टेंस में है, तो हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हुए सिंपल में जवाब देना है, और अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज़ करेंगे तो डिड के बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। मैंने हमेशा आपको ये इंकरेज किया है, मोटिवेट किया है कि राइट द आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स। क्या आप पहले खुद जवाब बनाने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत ही होगा ना, तो फिर क्या होगा।
सुपीरियर इंग्लिश टीचर आपकी हेल्प करेगा और साथ की जो बेहतरीन बुक्स बनाई गई हैं इंग्लिश के लिए वो आपकी बेहतरीन रहनुमाई के लिए उसके नोट्स आपके पास अवेलेबल है। अब वहाँ से भी तैयारी करके इंशाल्लाह तआला मुझे उम्मीद है कि ए प्लस ग्रेड नंबर हासिल कर सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पीस ऑफ स्ट्रिंग का थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लिया है। यूँ हमारा चैप्टर मुकम्मल हो गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। मेरा ख्याल है कि आपको समझ में बात आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़। स्टे सेफ। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट लेक्चर।